सो गाइस, मैं जस्ट अभी ही साउथ की वीरूपाक्ष ये फिल्म देख के आया हूँ, जिसमें हमें मिस्ट्री और सस्पेंस तो भरपूर देखने को मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फिल्म किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में हमें एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जो सुपरनेचुरल है। यानी इस फिल्म में हमें भूत, आत्मा या फिर काला जादू, ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। इसी रीजन की वजह से ये फिल्म हमें मिस्ट्री के साथ ही थ्रिल और हॉरर का भी मजा देती है। वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म एक्चुअल में 21 अप्रैल को ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन तब इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु में रिलीज किया गया, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में रिलीज करने के बाद इस फिल्म को इतना सक्सेस मिला और ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी ये फिल्म इतनी पसंद आई कि कल इस फिल्म को हिंदी के साथ ही तमिल और मलयालम लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया। और मजाक नहीं, मैंने इस फिल्म का ट्रेलर भी नहीं देखा था और फिर भी मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया। बट मैंने जब इस फिल्म का पोस्टर देखा तो मुझे थोड़ी बहुत कार्तिकेया जैसी वाइब्स आ रही थी, लेकिन मजाक नहीं, मुझे इस फिल्म ने अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इस फिल्म में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और इस फिल्म में जो भी मुझे देखने को मिला उसे देख के मुझे बहुत मजा आया। सो सिंपली हमें इस फिल्म में एक छोटे से गांव की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है सूर्या, वो अपनी बहन के पास कुछ दिनों के लिए रहने आता है, और उसके उसी वेकेशन के दौरान उस गांव की एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन फिर उस गांव में कुछ ऐसी सुपरनेचुरल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के लोगों की डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से उस गांव में जो काली माँ का मंदिर है, उसका जो मेन पुजारी है, वो ये डिसीजन लेता है कि गांव की जो देवी है वो अब अपवित्र हो चुकी है, और देवी के साथ ही गांव के लोग भी अपवित्र हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस गांव को सील कर दिया जाता है, और वो सील भी कुछ मंत्रों द्वारा लगाया जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर के लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती और गांव के बाहर लोगों को गांव में आने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो गांव पे एक भारी संकट आ सकता है, जिसकी वजह से गांव के लोगों की एक एक करके मौत हो सकती है। और ऑब्वियसली मूवी को आगे बढ़ाना है तो ऐसी गलती कोई ना कोई तो करेगा ही। सो ऐसा ही कुछ इस फिल्म में होता है और गांव के लोगों की एक एक करके मौत होने लगती है। लेकिन अभी गांव में जो डेथ्स हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, सो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश अपना इस फिल्म का मेन कैरेक्टर करता है। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते समय हमें इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए हैं जितने मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, और इसीलिए इस फिल्म को देखने में मुझे और भी ज्यादा मजा आया। वैसे वीरूपाक्ष के फर्स्ट हाफ में, यानी इंटरवल से पहले, हमें जो कुछ भी दिखाया जाता है उसे देख के आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें मिस्ट्री और हॉरर का तड़का लगाया गया है, लेकिन जैसा हमें दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये फिल्म हमें बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाती है और उसी लव स्टोरी की मार के रख देती है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वाइब हमें इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को देख के आती है उतना ही ज्यादा डार्क इस फिल्म का सेकेंड हाफ है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इस फिल्म में हमें कुछ सुपरनेचुरल और हॉरर चीजें दिखाई गई है, यानी इस फिल्म में हमें कुछ जंप स्केयर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कांतारा इस फिल्म में एक जंप स्केयर देखा था जो अनएक्सपेक्टेडली हमें डरा देता है। वैसा ही एक ट्रेन वाला जंप स्केयर हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि वो जंप स्केयर आने वाला है, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली हम डर जाते हैं। सो हाँ, इस फिल्म की स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग है, और इस फिल्म में हमें जो मिस्ट्री दिखाई गई है उसमें से कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन वाली मिस्ट्री है वो अनप्रेडिक्टेबल है। यानी इस फिल्म की मिस्ट्री कुछ कैरेक्टर्स के अराउंड इस तरीके से घूमती है कि हम देखने वाली ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस सबके पीछे है कौन। मतलब ये फिल्म अपनी स्टोरी के साथ अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से बांधे रखती है, जो इस फिल्म की बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड है। लेकिन हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जगह पे ये फिल्म बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। यानी मैं मेन मिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए जाते हैं, उनमें से कुछ ट्विस्ट और टर्न्स प्रेडिक्टेबल है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस चीज की वजह से इस फिल्म का मजा बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे इस फिल्म से ये लगी कि ये फिल्म हद से ज्यादा लंबी लगने लगती है। यानी वैसे ही इस फिल्म की लेंथ 2.5 घंटे की है, और इस फिल्म को देखते वक्त बीच में ये फिल्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये लेंथ एक्चुअल में फील होती है। बट नो डाउट, जब ये फिल्म अपनी स्टोरी के पीक पे आती है तो उतना ही मजा भी देती है। लेकिन मैं इस फिल्म की दो चीजों की तारीफ करना चाहूंगा, एक तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो मजाक नहीं गांड फाड़ देता है, और दूसरा जो भी लोकेशंस इन लोगों ने इस फिल्म में चूज किए हैं वो लोकेशंस बहुत ही तगड़े हैं। सो हाँ, ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि सच में मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इस फिल्म में हमें बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, और इस फिल्म में हॉरर वाला तड़का भी है, साथ ही ये फिल्म अनएक्सपेक्टेडली डार्क भी है। सो इतनी सारी चीजें एक साथ हमें एक ही फिल्म में बहुत कम बार देखने को मिलती है, इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जाओ इस फिल्म को थिएटर में ही जाके देखो, और हाँ, इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। सो इस फिल्म को लेके मेरे यही ओपिनियंस थे, और आप लोगों का इस फिल्म को देखते वक्त कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कल मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस फिल्म का भी रिव्यू किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रही है उसे टैप करो और देख लो। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।